हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे मेजर डिसिप्लिन का बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर का। हिंदी का एक सब्जेक्ट है आपका डिसिप्लिन के अंदर, हिंदी का मौखिक साहित्य और उसकी परंपरा। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा पैटर्न भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ, ताकि कोई भी अपडेट रहेगा आप तक टाइम तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम इसका पैटर्न जान लेते हैं। पैटर्न आपका 90 नंबर का पेपर आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, सारे क्वेश्चन इसमें आपको करने होंगे, ठीक है ना। तो और सिलेबस जान लेते हैं, टोटल इसमें 4 यूनिट है। पहली यूनिट का नाम है मौखिक साहित्य की अवधारणा, सामान्य परिचय, मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य का संबंध, जिसमें आपका साहित्य के विविध रूप, लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथाएँ, लोक नाट्य, लोकोक्तियाँ, फिर आपका लोकगीत बातचीत और मुद्दे, संस्कार गीत, सोहर जिसमें भोजपुरी संस्कार गीत वगैरह रहेगा, विवाह भोजपुरी, ठीक है, ये सारा आपका रहेगा। फिर आप आई थिंक इकाई टू, हाँ ठीक है, इकाई टू में आप ये सारा रहेगा आपका लोकगीत और बातचीत और मुद्रित, ठीक है। फिर आपका इकाई थ्री में पढ़ोगे लोक कथाएँ एवं लोक गाथाएँ। फिर आपका यूनिट फोर में पढ़ोगे लोक नाट्य। बस यही आपका 4 इसका सिलेबस है, ठीक है, 4 यूनिट का पूरा सिलेबस है इसका। जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज जरा नोट कर लीजिए आप, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल सकते। तो पहली यूनिट का नाम है मौखिक साहित्य की अवधारणा, ये आपका पहला चैप्टर है। सामान्य परिचय, मौखिक साहित्य और लिखित साहित्य का संबंध, पार्ट वन, मौखिक साहित्य के विविध रूप, जिसमें आपका लोकगीत रहेगा, लोक कथाएँ, लोक गाथाएँ, लोक नाट्य, लोकोक्तियाँ। जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए आप। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, मौखिक साहित्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, मौखिक साहित्य, लोकगीत, और क्वेश्चन नंबर 3 लोक कथाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आपका रहेगा 4th, लोक उक्तियाँ का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपको कर लेना। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट 2 का लोकगीत बातचीत और मुद्दे, पार्ट 1, लोकगीत संस्कार और गीत सोहर। जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, सोहर लोकगीत कब गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, सोहर के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आपका और भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, लोकगीत की शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 2 का चैप्टर 2, लोकगीत विविध रूप, इसके कितने रूप होते हैं, श्रम संबंधी, जटसरी, कटनी, रोपनी के गीत, जरा देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, लोकगीत की महत्ता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2, लोकगीतों को विद्वानों ने कितने प्रकार में बांटा है, पहला, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 4, श्रम संबंधी लोकगीत की विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 2 का ही पार्ट 3, हिंदी प्रदेशों में पहाड़ी लोकगीत, पूरा का पूरा पेपर ही लोकगीत के ऊपर है, ठीक है। जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी प्रदेशों के लोकगीत को स्पष्ट करते हुए हिंदी प्रदेशों के लोकगीतों की महत्व प्रकाश डालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, पहाड़ी लोकगीत के प्रकार बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट, पहला, दूसरा और आपका चौथा, और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के कुमाऊनी के लोकगीतों का शिल्प सौंदर्य बताइए, तो ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़े संक्षेप वाले क्वेश्चंस भी आई थिंक आ सकते हैं, तो थोड़ा इनको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 गढ़वाली वाला, बस ठीक है, तरह दूसरा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर इकाई 3, लोक कथाएं एवं लोक गाथाएं, ठीक है, ये आपका यूनिट 3 है इसका चैप्टर 1, जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, लोक कथा उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, पहला, दूसरा, चौथा, लोक गाथा का अर्थ बताते हुए आल्हा गाथा का वर्णन कीजिए।
पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट 4 लोक नाट्य पार्ट 1 विद्या का परिचय, जरा इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, नाट्य और लोक नाट्य में क्या अंतर है, पहला इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 पहला दूसरा चौथा पांचवा इसमें इम्पोर्टेंट है आपका। फिर आपका दूसरा चैप्टर है विविध भाषा क्षेत्रों के विविध नाट्य रूप और शैलियाँ, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए, ये आपका लास्ट यूनिट चल, इसमें आपके इम्पोर्टेंट रहेगा लोक नाट्य विद्या के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भारतीय समाज में प्रचलित विविध नाट्य रूप और शैलियों को संक्षेप में विवेचन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें चारों इम्पोर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की नौटंकी के बारे में पूछ सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चारों इसमें इम्पोर्टेंट है, और फिर आपको छठा भी कर लेना बिहार का विदेशिया, अलग अलग कंसेप्ट है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 3 संक्षिप्त पद्मावत सांग लखीमचंद का है, जरा देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा के लोक साहित्य परंपरा में लखीमचंद का स्थान निर्धारित कीजिए, पहला। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पहला दूसरा तीसरा चौथा, बस ये कर लेना इसमें, ये लास्ट चैप्टर है आपका यूनिट 4 का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिंदी मेजर डिसिप्लिन के बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू सो मच।